नमस्कार, ललितास किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं धनिया पुदीना चटनी, जो कि एक बहुत ही खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमने लिया है एक बाउल पुदीने की पत्तियां। हमने पुदीने की पत्तियों को अच्छे से काट कर धो लिया है। आपने पत्तियों को अलग कर लेना है। हमने एक बाउल धनिया की पत्तियां ली हैं। हमने साबुत धनिया से धनिया की पत्तियों को अलग कर लिया है और अलग करने के बाद पत्तियों को अच्छे से 2-3 बार पानी से वॉश कर लिया है ताकि सारी मिट्टी निकल जाए। एक मीडियम साइज़ का नींबू लिया है और 2 मीडियम साइज़ की साबुत हरी मिर्चें ली हैं। हमने नींबू के रस को पहले ही निकाल के रख लेना है। आप अंदाजे अनुसार 1 टेबलस्पून नींबू रस ले सकते हो। अब हम एक ब्लेंडर या जार में पहले धनिया की पत्तियों को डाल देंगे। धनिया की पत्तियाँ डालने के बाद हम इसे एक स्पून से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि धनिया हमारा फूला फूला होता है वो थोड़ा बैठ जाए। इसमें अब हरी मिर्चें डाल देंगे। हरी मिर्चों को हमने हाथ से थोड़े मोटे पीसेस में कर लिया है। अब हम नींबू रस डाल देंगे। नींबू रस डालने के बाद हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप अपने स्वाद अनुसार नमक और मिर्च को कम भी ले सकते हो और ज़्यादा भी ले सकते हो। लाल मिर्च अगर आपको खाने में नहीं पसंद तो आप अकेली हरी मिर्चों की चटनी भी बना सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे 1/3 चम्मच चाट मसाला। आप इसे स्किप भी कर सकते हो, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। चाट मसाला डालने से हमारी चटनी चटपटी अच्छी बनती है। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चीनी। अगर आपको मीठी चटनी पसंद है तो आप चीनी और ज़्यादा भी डाल सकते हो। अब हम इसके ऊपर पुदीने की पत्तियों को डाल देंगे जिन्हें हमें पहले से ही वॉश करके रखा हुआ है। पुदीने की पत्तियां डालने के बाद हमें स्पून से थोड़ा प्रेस कर देना है ताकि पत्तियाँ थोड़ी बैठ जाएँ। अब हम ढक्कन लगा कर ब्लेंडर को चला देंगे। हमें इसे थोड़ा सा ही ब्लेंड करना है क्योंकि चटनी बहुत ही 1 या 2 सर्कल्स में ही बन जाती है। हम देख रहे हैं कि हमारी चटनी अच्छे से बन गई है, आप देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी बारीक चाहिए तो आप इसे थोड़ा और ब्लेंड कर लें। आप चटनी को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लें। तो ये हमारी धनिया पुदीना की चटनी बनके तैयार है। आप इसे पकोड़ों के साथ, नाश्ते के साथ खा सकते हैं। ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप भी एक बार इस तरीके से चटनी को बनाएं, ये चटनी बहुत ही अच्छी बनेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपकी स्क्रीन पे आती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।